और अब बढ़ेंगे, बात करेंगे नफरत में अंधी सोच पर सवाल। किसकी नफरत, किसकी अंधी सोच? दरअसल बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों की कि जब एक कंपटीशन आता है उसमें जो सोच होती है वो किस कदर आगे तक चली जाती है। सोशल मीडिया में एजेंडा बनाने की बेताबी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी और मेड इन इंडिया पर सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कथित कफ सिरप का मामला उठाते हुए पीएम मोदी और मेड इन इंडिया ब्रांड पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आत्मनिर्भर भारत के अब तक के प्रयासों को नाकाम बताते हुए भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक जयराम रमेश ने भारत की उद्यमशीलता पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जयराम रमेश के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के विरोध में कांग्रेस अब भारत का विरोध करने लगी है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गाम्बिया में बच्चों की मौत का भारत में बनी खांसी की दवाई से कोई लेना देना नहीं था। ये बात गाम्बिया की सरकार ने भी मानी कि मौत का कारण कुछ और था। तो इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, ये एक बड़ा विस्तार से चर्चा का विषय है कि क्या ये एजेंडा था। लेकिन पीएम मोदी के लिए अपनी नफरत में कांग्रेस पार्टी भारत की उद्यमशीलता को निशाना बना रही है, ब्रांड इंडिया को निशाना बना रही है, इस पर इसकी निंदा की जानी चाहिए। उज्बेकिस्तान के मामले में भी सरकार ने कहा है कि इस विषय की विस्तार से जांच की जाएगी। जो 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आया उस पर भी सरकार ने कहा है कि विस्तार से जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि CDSO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन उज्बेकिस्तान रेगुलेटर के नियमित संपर्क में है। यूपी ड्रग कंट्रोल अधिकारियों और CDSO टीम द्वारा मैरियन बायोटेक की नोएडा निर्माण सुविधा की का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण यानी दोनों लोगों ने मिलकर निरीक्षण किया। वहां से सैंपल लेकर रीजनल ड्रग टेस्टिंग प्रयोगशाला चंडीगढ़ भेजा गया है उसको टेस्ट करने के लिए सैंपल्स को। कोविड महामारी के दौरान भारत के अपने स्वदेशी वैक्सीन पर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में भारत अपनी वैक्सीन और दवाई से देवदूत की भूमिका में सामने आई है। पूरी दुनिया ने भूरी भूरी प्रशंसा की है भारत की इस उद्यमशीलता की और उस उदारशीलता की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तब भी इसके प्रयास पर सवाल उठाया था। जयराम रमेश कहते हैं कि इस दौर में कांग्रेस पार्टी एजेंडा बनाती है और बीजेपी को जवाब देना पड़ता है। ये कुछ दिन पहले की बात है, भारत यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने बात कही थी। लेकिन वो कौन सा एजेंडा है, ये सवाल अब उठता है कि वो कौन सा एजेंडा है जिसमें भारत की छवि दुनिया में खराब होती है और इस एजेंडे के क्या मायने हैं। कल खबरों में सनसनी फैलाने की कोशिश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा गरमाया था और चूक का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। आज CRPF ने जवाब देते हुए बताया है कि राहुल गांधी ने खुद 113 बार सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। 113 बार राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी मोहब्बत की दुकान मानती है, फिर पीएम मोदी और देश के खिलाफ इस नफरत की असल वजह क्या है? ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसमें देश की शान, देश की उद्यमशीलता और देश का मेड इन इंडिया ब्रांड पर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने क्या कुछ ट्वीट किया आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लगती है। पहले गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। मोदी सरकार को भारत की फार्मेसी के बारे में शेखी बघारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार को फार्मेसी के बारे में, भारत की फार्मेसी के बारे में शेखी बघारना बंद करना चाहिए, इस भाषा का इस्तेमाल किया है जयराम रमेश ने। इसका जवाब दिया है बीजेपी की तरफ से और अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि गाम्बिया में बच्चों की मौत का भारत में बने कफ सिरप के सेवन से कोई लेना देना नहीं है। यह गाम्बियन अधिकारियों और DCGI दोनों द्वारा साफ तौर पर स्पष्ट किया जा चुका है। लेकिन मोदी के लिए अपनी नफरत में अंधी कांग्रेस भारत और उसके उद्यमशीलता की भावना का उपहास करना जारी रखती है। शर्मनाक, इसको अमित मालवीय ने शर्मनाक बताया है। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्या कुछ ताजा स्थिति है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, उसके साथ ही साथ जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है जयराम जी। उसके साथ ही साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम
आएंगे विनोद मिश्रा जी के पास। विनोद जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो सारी स्थिति है, चाहे वो गाम्बिया की हो और चाहे उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान के मामले में भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देश मिल करके इसकी जांच कर रहे हैं। गाम्बिया का मामला झूठा साबित हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई एक एजेंडा है जो एक सेट किया जा रहा है देश के खिलाफ, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे मैं उसको बचकानी हरकत ही कहूंगा, कि उसमें वो इस तरह के एजेंडे का कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? निखिल, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ड्रग अथॉरिटी जो है अभी तुरंत उस पर रिएक्शन किया है। ड्रग अथॉरिटी ने जांच की बात कही है। ड्रग अथॉरिटी की बात से लेके सरकार की तरफ से भी बात आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इसके लिए बात कही है। लेकिन क्या जयराम रमेश को अपनी ड्रग अथॉरिटी पे, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर सरकार पे, बगैर ये भरोसा किए हुए अगर अपनी तरफ से कोई रिएक्शन देते हैं और सीधे सीधे आरोप लगाते हैं? ऐसा आरोप तो ना उज्बेकिस्तान ने कभी अभी लगाया है, ना गाम्बिया ने पहले कभी लगाया था, तो इसके मायने क्या है? तो यही बात कहते हुए, जब अगर ये अभी आप देखिए कि अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है, तो क्या ये नफरती सोच है? क्या ये बात उसने कम से कम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है कि आप इतने अंधे हो गए कि आप ये सरकारी इंस्टीट्यूशन से उस पर क्या रिएक्शन आते हैं? वो तो सरकार का, वो तो लोगों का है, ये इंस्टीट्यूशन के बगैर अभी इंस्टीट्यूशन की तरफ से इसका जवाब आया है, सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, ये इसका जवाब हो गया है। इन सारी चीजों को आप धता बताते हुए, इन सारी चीजों को आप नजरअंदाज करते हुए अपना नैरेटिव इसमें दे रहे हैं। और भारत के कम से कम आप ये देखिए कि जब बात उसमें कही गई है कि मोदी का विरोध, तो एक मायने हो सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो है विरोध करती दिखती है जी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल फेस के विरोध करने पे आप अगर इंडिया के विरोध करते दिखें, आप इंडिया के जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको विरोध करते दिखें, और जो मेक इन इंडिया के जो प्रयास है इतने वर्षों से, जो आत्मनिर्भर भारत के प्रयास है, जो भारत का अभी डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, उसके प्रयासों को आप धता बताएं, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बेईमानी है। जी, इस पर अपने दोनों गेस्ट को जोड़ते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कि भारत की मेड इन इंडिया केरफ जो सिरप है वो जानलेवा लगती है, और भारत की फार्मेसी के बारे में शेखी बघारना बंद करना चाहिए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, उस पर निशाने से ज्यादा भारत की इमेज पर हमला है ये? देखिए, जिस तरह से लगातार इस दवा सप्लाई को लेकर के वैश्विक स्तर पर, और WHO की भी इस पर कई बार आपत्तियां आई है, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर बच्चों की जान गई और उसके कारण जो एक जांच की सख्त जरूरत थी, इस बात के लिए थोड़ा सा अपडेट कीजिए कि WHO ने अभी तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। WHO ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और विनोद जी आप उसमें नाम लेके अपने कांग्रेस के लीडर की आप एक तरह से वाहवाही कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक बात और आपको, अजय जी से पहले हम आगे बढ़े, सुनिए ना मुझे, अजय जी मुझे जरा, मुझे, मैं आपको ही वक्त दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आपको बता दें कि जो गाम्बिया का मुद्दा था वो जांच में साफ हो गया है, कोई भी बच्चे की मौत, 70 बच्चों की जो मौत का मामला आया है, वहां की सरकार ने स्वीकार कर लिया है, तो वो यही तो बात कही जा रही है जी। अरे मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद जो आप लोगों को एजेंडा चलाना है चलाइएगा, दोनों लोग चारों लोग बैठ के, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेस को आप अपना एजेंडा चलाइए, कांग्रेस की बात को तो रहने दीजिए। हाँ, करिए, बिल्कुल इसीलिए बुलाया आप। क्या है कांग्रेस की बात के लिए यदि आपने बुलाया तो हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो कहिए रुक गए, इसीलिए आप लोग तीनों लोग। हाँ जी, हाँ, बात जो है भारत की दवा सप्लाई और चयन को लेकर के, आज से नहीं वर्षों से भारत की एक अपनी एक पहचान रही है, चाहे वैक्सीन की बात हो या अन्य चीजों की बात हो, हमने देश ने हमेशा विश्व में ये मदद की है, और ज्यादातर अफ्रीकन देशों में, लेकिन अचानक जब बच्चों की बात आ रही थी, अफ्रीकन सरकार के तरफ से भी और वहां के आम जनता के तरफ से भी उस पर सिरे पर प्रश्न आए थे, और उज्बेकिस्तान का भी अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। हमारे मंत्री ने, हमारे नेता ने क्या कहा, सरकार जो है सेखी बघारने का सिर्फ मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारी बदनामी विश्व में हो रही है, भारत की बदनामी ना कराएं, इस पर एक सख्त कम से कम टिप करें, सख्त कम से कम कार्रवाई हो, कम से कम इसकी जांच हो, वो जांच उनके कहने के बाद की प्रक्रिया में आई है, ये आज का प्रश्न नहीं है, ये कम से कम पिछले एक महीने से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से बातें आ रही थी, और भारत की कहीं ना कहीं बदनामी वैश्विक स्तर पर हो रही थी। सरकार का काम है आगे आकर के इसकी जांच कराना, हम तो सख्त कार्रवाई की और जांच की मांग कर रहे हैं, ये कौन सा बुरा है, इसमें इतना दर्द क्यों हो जा रहा है, इसमें दर्द क्यों हो रहा है जी? आपकी क्या वैश्विक स्तर पर पहचान जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, या
अपनी सेखी बघारने में नहीं, वही तो बात हो रही है। आप अपनी बात कह लिया, बदनामी कम होगी। आप अपनी बात कह लिया, बताइए इसमें दरअसल इसका जवाब तो भाजपा के प्रवक्ता देंगे, लेकिन आपको बता दें आपकी जानकारी वही बता रहे थे कि जो गाम्बिया का जो मामला है उसमें साफ किया जा चुका है, WHO ने भी स्वीकार कर लिया, गाम्बिया की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि उस कफ सिरप से उस मौत का कोई लेना देना नहीं था। बात इस बात की हो रही, कौन ऐसे लोग हैं जो भारत की बढ़ती हुई फार्मेसी से, कौन से ऐसे गुट हैं जो घबराए हुए हैं? ये वैश्विक स्तर पर एजेंडा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट भारत की छवि को खराब करता है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। यही बताने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी प्रवक्ता से हम इसका जवाब लेना चाहेंगे। जयराम विप्लव जी, आप बोल चुके हैं, जयराम विप्लव जी बताइए। जी देखिए, निश्चित रूप से देश और दुनिया में कहीं भी अगर किसी प्रकार का मामला सामने आता है तो वो गंभीर है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसकी वकालत तो दुनिया में हर कोई करता है और सरकार ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन आखिर कांग्रेस को क्या हड़बड़ी है कि सरकार के कदम उठाने से उनको इतनी तकलीफ क्यों है और बिना किसी जांच रिपोर्ट के, बिना किसी आरोप के भारतीय फार्मेसी इंडस्ट्री के ऊपर सवाल खड़ा कर देना? ये कहना कि फार्मेसी की सेखी बघारना बंद करे प्रधानमंत्री, ये दर्शाता है कि भारत की उद्यमशीलता, भारत के उद्योगपतियों से AO ह्यूम द्वारा स्थापित विदेशी मानसिकता की कांग्रेस आज भी गुलाम है और कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से प्रेम है और भारत की कंपनियों से नफरत है। कांग्रेस को विदेश से प्रेम है लेकिन भारत की बढ़ती लोकप्रियता से नफरत है। अरे पूरी दुनिया में कोविड काल में भारत ने, भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने मैत्री उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना नाम कमाया, नाम बनाया। आज कांग्रेस को उससे जलन है क्या? मोदी जी से जलन करिए, भारतीय जनता पार्टी से जलन करिए, लेकिन देश से जलन मत करिए और देश की फार्मेसी को बदनाम मत करिए। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है हजारों नेता है कांग्रेस में, किसी एक नेता के बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी तुरंत कहती है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, एक व्यक्ति के बयान को पूरी पार्टी से जोड़कर मत देखिए, लेकिन किसी एक घटनाक्रम के आधार पर पूरी इंडस्ट्री को, जबकि अभी जांच भी नहीं हुई है, आप कटघरे में खड़ा कर दे अपने ही देश को बदनाम करने के लिए। किस हद तक कांग्रेस जाती है, एक सिलसिला चल पड़ा। ये फार्मेसी की बात पहली सबसे खास बात है कि जो गाम्बिया का मुद्दा है, जो गाम्बिया का मुद्दा है विप्लव जी, उस पर ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, उसके बावजूद इसको जानकारी का अभाव कहेंगे जयराम अजय जी, या फिर मानेंगे कि अकुलाहट है, कोई एक छटपटाहट है, किसी तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए, चाहे देश कटघरे में खड़ा हो जाए, एक बार PM मोदी और सरकार को खड़ा करने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे नेता ने जो बात रखी थी, सख्त कार्रवाई की बात रखी थी और उस पर जांच की बात रखी थी। सरकार का यह दायित्व, यदि वैश्विक स्तर पर किसी भी कारण से हमारे किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी आर्थिक तंत्र पर या किसी भी तरह की चीजों पर बदनामी का कोई भी मामला है तो उसकी जांच कराए। जो गाम्बिया की सरकार ने जांच कराई, हमारे भी सरकार यदि समयबद्ध सीमा में उसको जांच करा ली होती तो ये इतना मामला इंटरनेशनल लेवल पे नहीं फैलता। तो जांच तो हुई तभी तो अभी जांच नहीं हो गया। कौन से समय में सीमा के बाहर है? आपके पास दरअसल इसका कोई तर्क नहीं है। देखिए गाम्बिया के मुद्दे पर, गाम्बिया के मुद्दे पर साफ हो गया, पूरे सब कुछ गाम्बिया की सरकार ने स्वीकार कर लिया, WHO ने अपनी गलती मान ली। अब और कौन सा जांच की बात कर रहे हैं? उज़्बेकिस्तान का मामला कल आया है, आज जांच की बात हो गई और दोनों दल मिलकर जांच कर रहे हैं। जांच करके ही तो चीजें सुधरेंगी कि उसको ट्वीट करके भारत को कटघरे में करें। जरा निखिल जी, 5 मिनट, 2 सेकंड, भारत सरकार ने इस पर कोई जांच कार्रवाई की है? जी बिल्कुल जांच कार्रवाई की जा रही है। की कार्रवाई की हुई है? क्या रिपोर्ट है? अमित मालवीय का रिपोर्ट आप यहाँ नहीं जी, आप पढ़िए फिर, रिपोर्ट आप उज़्बेकिस्तान का मामला कल आया है। सुनिए सुनिए, अजय जी सुन लीजिए, उज़्बेकिस्तान का मामला कल आया है जो कि सामने, जिस पर जांच बैठा दी गई, और जो गाम्बिया का मामला है उसमें भारत सरकार, गाम्बिया की सरकार और जो दूसरी हेल्थ एजेंसीज हैं उन्होंने मिलकर जांच की है। WHO ने क्लीन चिट दे दी, गाम्बिया सरकार ने कह दिया कि जी कोई हमारे यहां से जो ये दवा का सेवन हुआ है इसका उन बच्चों की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को आपको समझाया जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, फार्मेसी कंपनियां जो भारत की लगातार बढ़ रही हैं, उन पर चिन्ह लगाने के लिए आप उसमें शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, जो जो भारत की
सिर्फ फार्मेसी कंपनियों का यहाँ पे हमें उसका नहीं करना है ना, उसके लिए सिर्फ हमें हमारा आप तो कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया ब्रांड, मेड इन इंडिया की दवाइयां जानलेवा साबित हो रही है। आपने लिखा कि मेड इन इंडिया ब्रांड की दवाइयां जानलेवा साबित हो रही है। अरे भैया हमने सिर्फ थोड़े लिखा है। अरे आपके नेता ने लिखा है, मतलब आपके नेता ने लिखा है, और किसने लिखा है? बदनामी पूरे विश्व मंच पर कैसे हो रही है, आप बताइए ना कैसे हो रही है? कंपनियों इस फार्मेसी कंपनियों के कारण हो रही थी? नहीं, कतई नहीं हो रही है, कतई नहीं हो रही है। ऐसे मुट्ठी भर लोग जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है कांग्रेस पार्टी। आज उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है कांग्रेस पार्टी। अजय जी, मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकता, कहां पर एजेंडा चलाया जा रहा है, ये बात पूरी देश देख रहा है। कंपनी जो है निखिल जी, किसी प्राइवेट की हो सकती है, भारत की के प्राइवेट संपत्ति नहीं है। और तो यही बात तो ट्वीट में कहनी चाहिए थी, यही तो सवाल उठाया जा रहा है। जयराम विप्लव जी के पास आएंगे, जयराम विप्लव जी आपको लगता है, और सरकार जयराम विप्लव जी के पास आएंगे जी, सरकार का काम है स्पष्ट करना। निखिल जी, ट्वीट में जो चाहिए वो ये है कि भारतीय फार्मेसी कंपनियों की शेखी बघारना बंद करे, सवाल इस पर है। और ये कोई नई बात नहीं है, जयराम रमेश और राहुल गांधी, आपने देखा विकिलीक्स के माध्यम से जब अमेरिकी राजनीतिक से राहुल गांधी बात कर रहे होते तो वो बताते हैं कि बोको हराम और आईएसआईएस से बड़ा खतरा हिंदू फोर्सेस है भारत में, ये राहुल गांधी कहते हैं। फिर हाल में देख लीजिए, राहुल गांधी बताते हैं कि भारत की सेना पीट रही है, तो सेना को बदनाम करना, अपने यहाँ के संगठनों को बदनाम करना, अपनी संस्कृति को बदनाम करना, भारत की उद्यमशीलता को बदनाम करना, क्या कांग्रेस ने ठेका ले रखा है? कांग्रेस अगर इसी प्रकार की हरकतें करती रहेगी तो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाएगी। जनता का विश्वास हासिल करने की बात आपने कही है, आपने जो बात जनता का विश्वास हासिल करने की बात कही, जयराम हम जाएंगे। चलिए, आप लोगों की बातें सुन ली, आपकी बातें सुन मिली, चलिए आपकी बातें सुन भी लिया और समझ भी लिया। अजय जी आपको भी सुन लिया, अजय जी आपको भी सुन लिया, अब इसमें बदनामी हुई, अजय जी आपको भी सुन लिया। असल में ये जानना चाह रहे हैं विनोद जी, जो जनता जनता का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, दरअसल ये समझना चाहेंगे कि इस तरह से मुद्दा के मुद्दों को जनता किस तरह से लेती है, क्योंकि वो तो बड़ी गौर से इस चीज को देख रही है। जब ये बात सामने आ रही है कि एक इंटरनेशनल एजेंडा चलाया जा रहा है और उस बीच में कहीं ना कहीं जो हमारे देश की पार्टियां हैं वो उनके साथ खड़ी नजर आती हैं, कोई भी उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी ये मैं नहीं जानता, किस तरह से इसको पब्लिक ले रही है। निखिल, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, विद्वान आदमी हैं, मैं उनके सामने में एक बात रखना चाहता हूं कि सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले जयराम रमेश का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी है कि आज एजेंडा कांग्रेस बनाती है और बीजेपी को जवाब देने के लिए मजबूर करता है। तो एजेंडा के नाम पे आपने जो एजेंडा चलाने के नाम पे या सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बनाने के नाम पे आपने जो इस तरह की कई ऐसे चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी है, चाहे वो ट्वीट पे रखे हो या आपने यूट्यूब पे आपने वीडियो डाल के रखा हो, लेकिन सवाल ये है कि आप ये बात भूल जाते हैं कि ये सवाल ये कि गाम्बिया की बात हो या फिर उज्बेकिस्तान की बात हो, तो ये बात कम से कम आपको क्लियर करनी चाहिए कि जो नोएडा की स्थिति जो कंपनी है उस कंपनी का दवाई सप्लाई अभी भी इंडिया में नहीं है, वो कफ सिरप का ये दवाई सप्लाई जो है उज्बेकिस्तान के साथ सीधा उस कंपनी का अपना लिंक है, और उस कंपनी ने ये किया, उस पर अभी जांच चल रही है, उस पर जांच बैठाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि उस मुद्दे को लेके एक तो गाम्बिया से जोड़ते हैं, जो गाम्बिया के मामले में पूरी दुनिया को पता हो गया कि उसमें कफ सिरप से मौत का कोई कारण बाद में गवर्नमेंट ने खुद माना था, उसमें भारत सरकार के से लेके और सब जगह उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी, वो फिर एक एजेंडा लेके WHO को लेके आ गए, जबकि WHO ने इस पर कुछ भी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो अब सवाल ये है कि क्या एजेंडा चलाते चलाते आप कभी एक प्राइम मिनिस्टर के साथ में आपका एक हो सकता है, लेकिन आप उस प्रतिक्रिया देते देते आत्मनिर्भर भारत की अभी की स्थिति को देखिए कि भारत अभी डिफेंस सेक्टर हो या फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, भारत अभी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। जो ये कांग्रेस की रीजन तक में आप देखिए कि पूरे इस दोनों सेक्टर में सब कुछ हम इंपोर्ट पे निर्भर करते थे, हमारी एक छोटी छोटी दवाइयों से लेके हम सब कुछ विदेशों की तरह देखते थे, लेकिन आज जब आपका ये मेक इन इंडिया का ये वैभव है, आप ये आत्मनिर्भर भारत का वैभव है या यहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप का ये ताकत है कि
उसने अपने देश के कंज्यूमर्स की जो कैपेसिटी की ये है मांग है उसको पूरा करते हुए उसने विदेशों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है, और इस हालत में आप एक पूरे सेक्टर को आप एक तरह से बदनाम करते हैं, आप एक पूरे सेक्टर पर सवाल उठाते हैं और उसको सवाल उठाते रहते उसको आप पीएम से जोड़ देते हैं, उनके ये आत्मनिर्भर भारत का जो वो एक शोकेस बनाने की कोशिश की है उस पर आप सवाल उठाते हैं। हमें ये देश का सवाल है, ये देश का सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भारत किसी एक पीएम का नहीं है, ये पूरे देश का एक डॉलर पूरे देश का है। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता को इस तरह की बात करने और अपनी नेता को सफाई देते हुए शायद अच्छा नहीं लगता। जी जी बिल्कुल, आप दोनों, हमारे पास समय लगभग समाप्त हो गया है। अजय जी आपके पास और जयराम विप्लव जी आपके पास, मैं 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड के लिए आऊंगा। अजय जी आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि इसमें तमाम फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हुए हैं। देखिए गाम्बिया की बात उन्होंने जिक्र किया जो कि फैक्चुअली गलत है, ठीक है, उसके बाद फिर मेड इन इंडिया दवाएं जानलेवा साबित हो रही। आपको लगता है कि इस तरह ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी कहीं किनारा भी कर सकती है? उसको यह भी कहना चाहिए कि इसमें फैक्चुअली जो स्थितियां हैं उस पर उसको ठीक करके आगे बढ़ा जा सकता है, विरोध करिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो आप इस पूरे आज कार्यक्रम में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एजेंडा चला रही है, कांग्रेस एजेंडा नहीं चला रही है, चला रही है, एजेंडा चला रही है तो नफरत फैलाने का एजेंडा है, मोहब्बत फैलाने का एजेंडा है, और ये एजेंडा हम चलाएंगे जो नफरती है उनको प्रॉब्लम, बिल्कुल उससे हम सहमत भी हो सकते हैं, हमारा विषय अभी ये नहीं है, कर रहे हैं। अजय जी, अजय जी समय बहुत कम है इसलिए बता रहा हूँ, जो मूल प्रश्न दिया है उसका जवाब देके आगे बढ़ें। मूल प्रश्न पर भी मैं आता हूँ, मूल प्रश्न पर भी मैं आना चाहूंगा। मूल प्रश्न ये है कि भारत की यदि किसी भी स्थिति में वैश्विक स्तर पर बदनामी हो रही है तो सरकार को आगाह करना, उस पर सख्त कार्रवाई की मांग करना विपक्ष का यह काम है। इससे भारत बदनाम वैश्विक स्तर पर नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा। चलिए आपको लगता है कि ये ट्वीट भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत होगा तो मैं ही लोगों मैं आपकी समझ का कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मेड इन इंडिया जवाई जानलेवा साबित हो रही है इस ट्वीट से, अगर भारत की छवि में सुधार हो रहा है तो मैं आपकी समझ पे कोई बात नहीं कहूंगा। जयराम विप्लव जी आपको लगता है कि इस तरह का जो पूरा एजेंडा है इसको पब्लिक के बीच में लेकर जाएगी बीजेपी? देखिए कांग्रेस का मतलब कंफ्यूजन हो गया। कांग्रेस पार्टी एक तरफ कहती है कि हम एजेंडा चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहती है हम एजेंडा नहीं चला रहे। भारत की बदनामी वाले ट्वीट्स करना उनको लगता है कि ये भारत को मजबूत करने वाला है, भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करते करते भारत के उद्यमियों से नफरत करने की बात कहना ये उनको लगता है कि देश को आगे बढ़ाने का एजेंडा है। तो जनता देख रही है, समझ रही है, कल ही देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति जिनके ऊपर ये बहुत आरोप लगाते हैं उनका एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके उड़ान की शुरुआत राजीव गांधी जी के समय में हुई थी, राहुल गांधी से आज देश पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे उद्योगपतियों को क्या राजीव गांधी उस समय गरीबों की जेब से पैसे निकाल कर दे दिया करते थे? जिस प्रकार के तर्क आज राहुल गांधी पर एजेंडे में राहुल गांधी चलाने में, जी चलिए चलिए मोहब्बत करना चाहिए, हमारे पास समय आज बस इतना ही है, मोहब्बत करना चाहिए। जी समय हमारे पास बस इतना ही है। अजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस बार एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं इस ट्वीट पर पार्टी रिविजिट करे तो शायद कुछ और जिसको कहते हैं कि समझ में आए। बहरहाल वो आपका अपनी बात है। जयराम विप्लव जी आपका भी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।